लो बेबी देखो मैंने तुम्हारे बर्थडे पे कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है। थैंक यू बेबी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो। हाँ बेबी ये तो है, सारी लड़कियाँ मुझसे यही कहती हैं। क्या मेरा मतलब है 12 बज गए बेबी, केक काटो ना। हैप्पी बर्थडे, कैंडल बुझो कैंडल बुझो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इतनी रात को कौन आया होगा, और मैंने तो किसी को बताया नहीं था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या तुम्हारा बर्थडे, किसी को भी नहीं पता था। अरे कोई आया होगा, सरप्राइज दे रहा होगा, जाओ जाकर देखो। देखो मैं देखता हूँ, बस एक मिनट। हाँ अरे बेबी यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस एक जोकर की टोपी रखी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bobby, happy birthday to you। अरे बाप अंकल, तुमने मेरे बर्थडे के लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, मेरे बर्थडे पे जोकर को बुलाया। आप तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। मैंने नहीं बुलाया इस जोकर को यहाँ। कौन है तू है, और बिना बुलाए हमारे घर में कैसे आया बे जोकर? हाँ तुमने नहीं बुलाया तो मैं आऊंगा नहीं क्या? हमारी भाभी जी का बर्थडे है, एक जोकर ना आए और आके हंसाए ना, ऐसे कैसे बात बनेगी। और वैसे भी तू तो भाभी जी को बिल्कुल नहीं हंसाता, मैं तो हंसाऊंगा ना, है ना भाभी जी? हाँ बिल्कुल नहीं हंसाता ये पंकज तो मुझे। पत्नी नहीं है वो, गर्लफ्रेंड है मेरी। ओ देखो भाभी जी, आपको अपनी पत्नी ही नहीं मानते ये तो। पंकज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम दुनिया के सबसे खराब बॉयफ्रेंड हो। अरे बेबी लेकिन अभी तो तुम मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड बता रही थी। ए जोकर तू हमारे घर में आग मत लगा, चल भाग यहाँ से। ए ऐसे कैसे भागू, अभी तो भाभी जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ पंकज अभी जोकर कहीं नहीं जाएगा, और क्या हो गया अगर ये कुछ पैसे कमा लेगा तो। देखा मुझे पता था कि सुंदर लड़कियाँ अच्छी और समझदार होती है। समझदार, वाह तू तो सच में अच्छे जोक मारता है, वेरी गुड। पंकज अभी बताऊं तुम्हें? अरे नहीं नहीं मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए जोकर है अब यहाँ पर। हाँ अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे मार दूंगा। क्या ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मेरा मतलब हंसा हंसा के मार दूंगा। ओ अच्छा तुम तो सच में बहुत मजाक किया हो। चलो बेबी अब केक काट लेते हैं, चल जोकर वहाँ बैठ जा आराम से, चल आओ बेबी केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे। चलो बेबी केक काटो, बहुत लेट हो गया, चलो जल्दी काटो। हाँ हाँ। अरे चाकू कहाँ गया, अभी तो यहीं पे था। अरे तुम्हारे हाथ में तो था, पता नहीं कहाँ खो दिया। ए जोकर तेरे पास कोई चाकू है तो ला दे। हाँ है ना मेरे पास चाकू, पर उससे केक नहीं कटेगा, उससे तुम दोनों कटोगे। हाँ हम कटेंगे। ए जोकर ये क्या बोल रहा है तू, क्या बकवास कर रहा है? तुम तो बड़े गधे हो, मेरे मजाक को नहीं समझते। देखो मेरे कहने का मतलब है अब तुम्हारी जेब कटेगी, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तुम मुझे पैसे दोगे, तो पैसे खर्च करना मतलब जेब कटना ही तो हुआ। आप ही बताओ भाभी जी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। पंकज क्या है तुम्हें, तुम बार बार क्यों बोले जा रहे हो उसे? अरे यार ये बातें ही ऐसी कर रहा है। अरे चलो ठीक है वो सब छोड़ो, और वो देखो वो पड़ा चाकू लाओ इधर दो। तुम काटो केक काटो, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वीटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ ये लो ये लो ये लो, हैप्पी बर्थडे। अब मैं खिलाऊंगी। हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ। भाभी जी मैं क्या कह रहा था, आप भैया को तो हर साल खिलाते हो, इस साल मुझे खिला दो। कोई नहीं तुम खा लो। अरे ओ जोकर साले अपनी औकात में रहे, बचपन में ना मैंने तेरे जैसे लौंडे बहुत पीटे हैं। अरे ओ तुझे भी नहीं पता मैं जूडो कराटे में ना स्टेट लेवल तक खेल रखा हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं कर सकते क्या? लेकिन मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा था। ओहो बर्थडे मेरा है, मुझ पर भी तो ध्यान दो, तब से बातों में लगे हुए हो। अरे भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो सारा ध्यान आप पर ही है। ओए गर्लफ्रेंड है मेरी, समझ आई बात? तो मैंने कब मना करा। अच्छा सुन अब केक कट हो गया, मस्ती मजाक भी बहुत हो गया, अब तू अपने पैसे बता और यहाँ से निकल।
अरे भाई तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? रात को 2:30 बजे है, इतनी रात को एक जोकर अपने घर जाए, तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है क्या? बाहर माहौल कितना खराब है पता है ना भाभी जी आपको तो। हाँ पंकज ये बात तो है। तो फिर क्या करें, इसको अपने घर में ही सुला लें क्या? हाँ सुला लो, बेस्ट आइडिया है। और वैसे भी मैं भाभी जी के बर्थडे पर आया हूँ तो ये तो बनता ही है ना। और मुझे लगता है भाभी जी मना भी नहीं करेगी मुझे यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि भाभी जी समझदार लगती है मेरे को। अबे ओ तू ना ज्यादा मक्खन मत लगा समझदार समझदार बोल के। इसका मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? आप ही देखो भाभी जी। पंकज देखो बेबी, ये जोकर बेचारा बहुत अच्छा है, अगर ये रात को जाएगा किसी ने इसे लूट लिया तो नहीं 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 आज ये यही रुकेगा। पर बेबी, पर वर कुछ भी नहीं, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो ये यही रुकेगा। ठीक है भाई रुक जा, खुश? हाँ खुश, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। ये लड़की तो अच्छी है बहुत और सुंदर भी है, बस इसका बॉयफ्रेंड ज्यादा तेज है। इसके बॉयफ्रेंड को मार दूंगा और इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। अबे अब तू कहाँ खो गया, दूसरा तरीका ढूंढ रहा है क्या मुझे परेशान करने का? नहीं नहीं मैं तुम्हारा जीना हराम क्यों करूंगा भाई, तुम तो अच्छे आदमी हो। चलो अब चल के सो जाते हैं, जोकर जी आप यहाँ हॉल में ही सो जाना। अरे बेबी तुम कहाँ चली, तुम तो मेरे साथ सोगी ना? अरे पंकज पागल वागल हो गई हो क्या, देखो तो हमारे घर मेहमान आ रखा है, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरे सुटी ये क्या बकवास कर रही हो तुम, अरे जो सोच रहा है सोचने दो ना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। देखो पंकज तुम ना बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, समझ आई, मैं जा रही हूँ। आज तो दो काम एक साथ हो जाएंगे, एक खून भी कर दूंगा और एक को अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लूंगा। अरे यार मुझे तो आज पता चला है कितनी पागल गर्लफ्रेंड है मेरी, अरे किसी भी अनजान आदमी को घर में रुकने को बोल देती है। अरे यार वो चोर भी हो सकता है, जेब कतरा भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, मर्डरर भी हो सकता है, लेकिन नहीं रुक जाओ घर में, तुम्हारा ही घर है। बहुत अजीब है, बहुत अजीब है, पता नहीं क्या होगा, खैर जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे तो आ रही है नींद, मैं तो सो रहा हूँ, देखा जाएगा। जय श्री राम। अब वक्त आ गया है काम को अंजाम देने का। बोल रहा था ना तू, अब देख बोल ही नहीं पाएगा। स्वीटी स्वीटी जल्दी आओ, स्वीटी जल्दी आओ, जल्दी आओ स्वीटी। तूने ना मुझसे क्या हुआ पंकज? देखो स्वीटी मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, ये सुअर का बच्चा जोकर इस चाकू से मुझे मारने वाला था। क्या? अरे नहीं भाभी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तेरी कोई नहीं सुनेगा, आई समझ? चुप करो तुम, और तुम मुझे बताओ तुम ये चाकू के साथ क्या कर रहे थे? अरे भाभी जी मैंने ना वहाँ हॉल में चाकू पड़ा हुआ देखा था, और आपको याद है आप केक काटते टाइम भी चाकू ढूंढ रहे थे, तो मेरे को लगा वो यही चाकू है, और मैं बस पंकज भाई से पूछने आया था कि ये चाकू मैं कहाँ पर रखूँ संभाल कर। अरे तो तूने मुझसे कब पूछा, तू तो मेरे साइड में बैठ के चाकू लेके हंस रहा था। स्वीटी मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं 5 सेकंड भी लेट होता ना तो ये मुझे जान से मार देता। अरे मेरे को तुम्हें मानना ही होता तो मैं हंसता क्यों, और मैं तो तुम्हें बस जगाने ही वाला था, इतनी देर में तुम खुद जाग गए और तुमने इतनी जोर से मेरे यहाँ पर घूसा मार दिया। अरे पंकज एक बार सोच समझ तो लिया करो बातों को, तुमने उसे क्यों मुक्का मार दिया? अरे धक्का इसलिए मारा, मुझे लगा ये मुझे मारने वाला है चाकू से। एक तो तुम्हें लगता बहुत है,
भाभी जी मैं बताता हूँ इसने क्यों मारी। एक तो मैं आपके बर्थडे पर आया, आपको हंसाया, आपने पहले मुझे केक खिला दिया और तो और मैं यहाँ पर रुक भी गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैंने ना आपको समझदार कह दिया इसलिए ये मुझसे चिढ़ रहा है। अबे जोकर तू ये सब क्या बकवास कर रहा है। अरे मैं तुझसे क्यों चिढ़ूंगा भला। तुम चुप करो पंकज, और जोकर जी आप ना जाओ, जाके आराम करो, सो जाओ। ठीक है भाभी जी, अगर आज आप टाइम पर ना आते ना तो ये मुझे मार ही देता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह वाह। चुप करो तुम, और जोकर जी जाओ आप आराम करो। पंकज तुम्हें क्या दिक्कत है उस बेचारे से? अरे यार मुझे क्या दिक्कत होगी उससे, मुझे लगा वो सच में मुझे मारने वाला है। भला तुम्हें क्यों मारेगा ये सोचो। हाँ ये भी है, चलो कोई नहीं छोड़ो अब। क्या छोड़ू, ये सब ड्रामे ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। ओके बेबी सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, उस जोकर को बोलो। ठीक है उसे भी बोल दूंगा, लेकिन सुबह। और एक बात और बोल दूं, मुझे ना अब भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब तुम नहीं मानोगे ना? अरे मजाक कर रहा हूँ। तुम और तुम्हारा मजाक दोनों ही घटिया है। अरे अरे बेबी बात तो सुनो। अरे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। साला बच गया इस बार तो, और अच्छा हुआ मैंने भी बातें घुमा दी। लेकिन इस पंकज का गेम ना जल्दी खत्म करना पड़ेगा। क्या हुआ जोकर जी? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और हाँ अगर दर्द हो रहा है तो आपको गोली ला के दे दूँ दर्द की? नहीं नहीं गोली की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा दर्द है। नहीं चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं चलती हूँ। अगर गोली से दर्द खत्म हो सकता है तो इंसान भी तो हो सकता है, ये मैं कैसे भूल गया। अब तू तो गया बेटा। पंकज अब तो तेरा खेल खत्म। अबे ये क्या सीन है, इस जोकर के हाथ में तो गन है। क्या करूं क्या करूं। हाँ एक काम करता हूँ, इसके हाथ पे है ना चप्पल मारता हूँ, ये गन छूट के नीचे गिर जाएगी और मैं जल्दी से जाके उठा लूंगा। हाँ ये सही रहेगा। ओ सॉरी सॉरी गलती से लग गई, मैं आपके हाथ से मारा था, गलती से आपके मुंह पे लग गई। बहुत देर हो गई, तुझे तो अब मैं मारूंगा, देख अब तू नहीं बचेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चप्पल मारी, अब तो तू गया बेटे, गया जोकर तू। ये क्या हो रहा है? अरे बेबी इसके पास गन है, मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके पास गन है। गन कहाँ है गन? अरे बेबी इसी के पास है वो गन। अरे भाभी जी वो गन नकली थी बच्चों वाली, और इसने मुझे खामखा चप्पल मारी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। अच्छा नकली गन है ना, तो एक काम कर उस गन को उठा अपने माथे पे लगा और अभी के अभी ट्रिगर दबा। अरे ये क्या बात हुई? यही बात हुई, अभी के अभी गन निकाल वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। अरे भाभी जी देखो ना अपने बॉयफ्रेंड को कैसी अजीब बातें कर रही है। अरे पंकज रहने दो ना, जब वो कह रहा है नकली गन है तो नकली ही होगी ना, और वैसे भी जोकर लोगों के पास तो ये सब सामान होता ही है। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर गन नकली है तो अपने माथे पे रख और ट्रिगर दबा, सिंपल है, कर कर कर। ये ले गन कर। ठीक है करता हूँ। अरे ये मरा क्यों नहीं? अच्छा इसका मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो। पंकज देखा ना नकली गन है ये, तुम बिचारे के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं मुझे अभी भी शक है, शायद इसने ना वो असली गन कहीं छुपा दी है। पंकज नहीं मानोगे ना तुम, देख लो अगर अब कोई ड्रामा कराना तो ब्रेकअप। अबे यार क्या मुसीबत है। ओ भाभी जी देखो आपको मुसीबत कह रहा है। अरे मेरा मतलब है आपको मुसीबत नहीं कह रहा, और तू ना थोड़ी कम आग लगाएगा जोकर। चुप करो पंकज, और उसने कोई आग नहीं लगाई है। थैंक यू भाभी जी, आप ही अच्छी हो बस। ठीक है फिर मैं तो अपने रूम में ही जा रहा हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आ रही हूँ, वरना तुम फिर से कोई ड्रामा करोगे। ठीक है जाओ तुम, और मैं अपना फोन लेकर आ रही हूँ तुम्हारे रूम में। अरे तुम रुको मैं तुम्हारा फोन ले आता हूँ तुम्हारे रूम से, तुम चलो मेरे रूम में। ठीक है
और आप आराम से ले जाओ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉमिस। इस पंकज ने भी ना जीना हराम कर रखा है, पागल ही हो गया एकदम। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तुम रुको, मैं तुम्हारे रूम से जाके तुम्हारा फोन ले आता हूँ, तुम मेरे रूम में जाके बैठो। ये साला पंकज हर बार बच जाता है, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। ये बिजली की तार है ना, मैं उसके गेट पर लगा दूंगा, मैं उसे आवाज मारूंगा, पंकज पंकज। जैसे ही वो गेट से बाहर आने लगेगा और गेट को छुएगा, वैसे ही वो इस करंट के मारे मर जाएगा। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। अब देख बेटा जोकर, कैसे तेरे प्लान पे मुड़ता हूँ मैं। अरे भाई, तुम्हें गलत फहमी तो बहुत होती है। तो क्या हुआ भाई, गलत फहमी तो है, किसी को भी हो सकती है, हो सकता है तुम्हें भी हो कुछ। नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं है। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गुड नाइट। बड़ी देर करती फोन लाने में, कहीं उस जोकर से दोबारा तो नहीं लड़ने लग गए थे? अरे मैं क्यों लड़ूंगा उस जोकर से, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। वो जोकर नहीं, खूनी जोकर है। क्या बकवास कर रहे हो पंकज तुम। बकवास लग रही है ना, तो ये लो फोन कान पे लगाओ और सुनो उसकी बातें। लगाओ लगाओ। अब लगाऊंगा ये तार उसके गेट पर, और जैसे ही पंकज अपने गेट को छुएगा, मर जाएगा मर जाएगा। अब क्या करेंगे पंकज हम? हम नहीं, जो करेंगे सिर्फ मैं करूंगा। अरे पंकज जरा बाहर आना, घर में सांप है। क्या सांप है? गेट के बाहर सांप नहीं, तेरी मौत है। जोकर जी, पता नहीं हमारे गेट को क्या हो गया, ये खुल ही नहीं रहा। क्या गेट नहीं खुल रहा, अच्छे से ट्राई करो। हाँ जोकर जी, बहुत ट्राई कर लिया लेकिन नहीं खुल रहा। अरे यार ये गेट क्यों नहीं खुल रहा? ले फंस गया ना अपने ही जाल में। पंकज तुम पहले जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ हाँ अभी करता हूँ। फंस गया तू, मरेगा तो तू ही पंकज। वो गन नकली थी, ये असली है। नहीं।